हेलो फ्रेंड्स, ये लड़की देखो कान से बहरी है फिर भी आटा सान लेती है और आटा सान के रोटियां भी बना लेती है। इसको कान से सुनाई नहीं देता है। ये इसकी बड़ी बहन है। हाय फ्रेंड, मैं इसको गाइड करती हूँ रोटियां कैसे बनाऊं, बिकॉज इसे सुनाई नहीं देता है तो मैं इसको इशारों में बताती हूँ। अभी मैं आपको बता के दिखाती हूँ। आटा मारो, सुनो, हमारे इधर आटे को मारना कहा जाता है, तुम्हारे इधर क्या कहा जाता है? अच्छा, सानना, आटा गुथो, इतना कहा जाता है हमारे इधर तो। तो फ्रेंड देखिए, ये लड़की जो है आटा सान रही है और अभी रोटियां बनाकर खिलाएगी। आप लोग भी खाने आना। और आज इसका एडमिशन हो गया है बीए फर्स्ट ईयर का, फिर भी ये रोटी सेकना नहीं जानती है। तेरा क्या नाम है? पल्लवी शुक्ला। और इसी घर में रहती है तू? हाँ, मैं तो इसी घर में रहती हूँ। तो ये तुम्हारा घर है? तो बहुत ही टूटा फूटा घर। हाँ, ये मेरा घर है, ये मेरा किचन है और ये मेरा ये स्टोर रूम है। ये स्टोर रूम है और ये भी सान रही है। और फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को रोटी बनाकर एक नई तकनीक से आपको रोटी दिखाएगी बनाकर। और वीडियो को कट मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। और ये बहरी है, ये भी सुन लेती है, लगता है थोड़ा 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 सुनना सुन। और ये लड़की वहाँ पर तुरई की सब्जी बना रही है, वेजिटेबल। ये तुरई की सब्जी बना रही है। ये अभी भी रोटी आटे को गूंथ रही है। अब ये तैयार हो गया, अब इसको जो है बनाएगी।